एक प्रभावशाली बहुरूपात्मक लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा। बहुरूपात्मक परिवहन सुविधाओं के साथ बहुरूपात्मक लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके इसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा। श्रेणी दो के शहरों के चुनिंदा हवाई अड्डों के संचालन और रखरखाव को सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत लाया जाएगा। भू संपत्तियों के प्रभावी मुद्रीकरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम को संशोधित किया जाएगा। इससे जुटाए जाने वाले संसाधनों को हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। समूचे परिवहन क्षेत्र के लिए जिसमें रेल, सड़कें और पोत परिवहन शामिल है, मैंने 2017-18 के लिए 2,41,387 करोड़ का प्रावधान किया है। निवेश की इतनी बड़ी राशि से देश भर में प्रचुर मात्रा में आर्थिक क्रियाकलापों का मार्ग प्रशस्त होगा और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। दूरसंचार क्षेत्र हमारे ढांचागत इको तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। हाल ही में हुई स्पेक्ट्रम की नीलामियों से देश में स्पेक्ट्रम का अभाव दूर हुआ है। इससे मोबाइल ब्रॉडबैंड और डिजिटल भारत को काफी बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण व दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोग इससे लाभान्वित होंगे। भारत नेट परियोजना के तहत 1,55,000 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। मैंने भारत नेट परियोजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर 2017-18 में 10,000 करोड़ रुपए कर दिया है। 2017-18 के अंत तक 1,50,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें वाई फाई हॉटस्पॉट्स और निम्न प्रशुल्कों पर डिजिटल सेवाओं तक पहुंच भी शामिल है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से टेलीमेडिसिन, शिक्षा और कौशल विकास के प्रावधान के लिए डीजी गांव नामक पहल शुरू की जाएगी। हमारे ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कच्चे तेल के सामरिक भंडार स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में ऐसे 3 तेल भंडारों की सुविधाएं स्थापित की गई हैं। अब दूसरे चरण में 2 और स्थानों नामतः ओडिशा में चंडी खोले और राजस्थान में बीकानेर में कंदराएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे हमारी सामरिक तेल भंडार क्षमता 15.33 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। सौर ऊर्जा में अब हमारा प्रस्ताव 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए सौर पार्क विकास के दूसरे चरण को प्रारंभ करने का है। हम भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने के लिए इकोसिस्टम भी तैयार कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के 250 से अधिक निवेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 1.26 लाख करोड़ की निवेश राशि शामिल है। विश्व के अनेक अग्रणी निवेशकों और मोबाइल विनिर्माताओं ने भारत में उत्पादन सुविधाएं स्थापित की है। अतः मैंने M-SIPS और EDF जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 2017-18 के आवंटन को पर्याप्त रूप से बढ़ाते हुए 745 करोड़ कर दिया है। यह इस क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। हमें इस प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में अपने निर्यात ढांचे पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना टाइज नामक एक नई और पुनः तैयार की गई केंद्रीय योजना 2017-18 में आरम्भ की जाएगी। वर्ष 2017-18 में अब संरचनात्मक विकास के लिए किया गया कुल आवंटन 3,96,135 करोड़ है। वित्तीय क्षेत्र, अब मैं वित्तीय क्षेत्र पर लौटता हूँ। इस क्षेत्र में TEC भारत एजेंडा में स्थिर और सुदृढ़ संस्थाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। हम अनेक नए उपायों के जरिए अपने सुधारों का एजेंडा जारी रखेंगे। हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में पर्याप्त सुधार किए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में होने वाले कुल आगम का 90% से अधिक भाग स्वचालित मार्ग के माध्यम से आता है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधों आवेदनों की ई फाइलिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग का कार्य सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि निवेश संवर्धन बोर्ड को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है, इसलिए हमने 2017-18 में इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है।
इसके लिए रोड मैप अगले कुछ महीनों में घोषित किया जाएगा। इस बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को और अधिक उदार बनाने पर विचार किया जा रहा है और यथा समय आवश्यक घोषणाएं की जाएंगी। वस्तु बाजारों में किसानों के लाभ के लिए और अधिक सुधार लाने की आवश्यकता है। वस्तुओं के व्यापार के लिए हाजिर बाजार और व्युत्पन्न बाजार को समेकित करने के लिए प्रचालन और विधायी ढांचे पर अध्ययन करने और इसके सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी। ई नैम इस ढांचे का एक अभिन्न अंग होगा। अवैध जमा योजनाओं के संकट को कम करने के लिए मसौदा विधेयक को लोगों की जानकारी में लाया जाएगा और इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद शीघ्र ही लागू किया जाएगा। यहाँ गरीब और भोले भाले निवेशकों को बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के विनियामक दोषों का लाभ उठाने वाली बेईमानी कंपनियों द्वारा प्रचालित अनेक संदिग्ध योजनाओं से बचाने की तत्काल आवश्यकता है। हम स्वच्छ भारत के अपने एजेंडे के रूप में विभिन्न हितधारकों के परामर्श से इस अधिनियम में संशोधन करेंगे। वित्तीय फर्मों के समाधान से संबंधित विधेयक को संसद के वर्तमान बजट में पेश किया जाएगा। इससे हमारे वित्तीय तंत्र को स्थिरता और लचीलापन मिलेगा। इससे विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा होगी। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता के साथ साथ वित्तीय फर्मों के लिए समाधान तंत्र से हमारे देश में समाधान प्रणाली की व्यापकता सुनिश्चित होगी। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि निर्माण संविधाओं, सरकारी निजी भागीदारी और जन उपयोगी सुविधा संबंधी संविधाओं से संबंधित अवसंरचनाओं में विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को कारगर बनाने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। हितधारकों के साथ गहन परामर्श के बाद हमने निर्णय लिया है कि अपेक्षित तंत्र को विवेचन और समाधान अधिनियम 1996 के हिस्से के रूप में संस्थापित किया जाएगा। इस संबंध में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। हमारी वित्तीय क्षेत्र की सत्यनिष्ठा और स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे वित्तीय क्षेत्र के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम स्थापित की जाएगी। यह निकाय सभी वित्तीय क्षेत्रों के विनियामकों और अन्य हितधारकों के सन्निकट समन्वय में कार्य करेगा। मैंने वित्तीय सेक्टर में अनेक अन्य उपायों का भी प्रस्ताव रखा है जिन्हें अनुबंध एक में सूचीबद्ध किया है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सूचीबद्ध करने से बेहतर सरकारी जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा और यह इन कंपनियों के वास्तविक मूल्य को उजागर करेगा। स्टॉक एक्सचेंजों में चिन्हित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को समयबद्ध रूप से सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार संशोधित तंत्र और प्रक्रिया लागू करेगी। पिछले बजट में मेरे द्वारा घोषित विनिवेश नीति जारी रहेंगे। IRCTC, IRFC और IRCON जैसे सरकारी क्षेत्र के रेलवे उद्यमों के हिस्से को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा। हम समेकन विलय और अधिग्रहणों के जरिए हमारे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ करने का सुअवसर देख रहे हैं। इन विधियों के द्वारा उद्योग की मूल्य श्रृंखला में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को एकीकृत किया जा सकता है। यह उन्हें अपेक्षाकृत अधिक जोखिम बर्दाश्त करने, उच्चतर किफायतें प्राप्त करने, अधिक निवेश के निर्णय लेने और पणधारकों के लिए अधिक मूल्य का सृजन करने की क्षमता प्रदान करेगा।